आज हम लेंगे 2023 हीरो करिश्मा जो अभी लॉन्च हुआ है उसके बारे में। कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है, जो चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हीरो करिश्मा में क्या क्या इंस्टॉल है और क्या क्या बुरी चीज़ें वो मैं आप जो आप लोगों को आज बताऊंगा, तो चलो देखते हैं वीडियो में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाइक देख रहे हो रेड एंड ब्लैक में, पहले की चेक करो कि नॉर्मली की लगा हुआ है इस बाइक में। तो आप लोग फ्रंट का लुक पहले चेक करो, जो LED जो लैम्प है ना इस बाइक में, तो भाई लोग LED जो लैम्प है इस बाइक में उतना खास प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इसका की स्विच देखो, जस्ट देखो आगे LED लैम्प लाइट देखो, उतना प्रोवाइड पूरा LED है, लेकिन इसका मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। इसका थोड़ा बेहतर कर सकता था, पहले जो करिश्मा था उसमें थोड़ा बेहतर, मतलब जो लुक था थोड़ा बॉडी लाइका 20 जैसा था, लाइका मतलब थोड़ा बड़ा हुआ था, उसमें बाइक कुछ अलग ही जच रहा था। और इसमें भाई देखो इतना छोटा कर दिया, और इस हेडलाइट के साथ ये बाइक तो उतना देखो। सो गाइस, इसका फर्स्ट सेगमेंट देख सकते हो, तो बाइक का LED लाइट उतना, मैं लास्ट बार भी बोलूँगा उतना खास नहीं लगा मेरे को। तो इसका जो देखो जी भाई, मतलब मेटल है वो बहुत हार्ड मेटल है, तो आप लोग बाइक गिरा तो जल्दी से नहीं टूटेगा ये बाइक। तो इसमें बैड फीचर्स है जो LED लाइट का, और फ्रंट का लुक एकदम मतलब उतना खास नहीं है, थोड़ा और बेहतरीन कर सकता है। इसका फ्रंट में आता है भाई 100 का टायर, और ABS ड्यूल चैनल ABS भी आता है इस बाइक में। तो रेड एंड ब्लैक में बाइक तो खूबसूरत लग रहा है, और ABS तो भाई इतना बड़ा, और ग्राउंड क्लियर देखो इतना, कितना ग्राउंड क्लियर है इसमें, उतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन ग्राउंड क्लियर ज़्यादा है। तो एग्जॉस्ट नोट भी आप लोगों को सुनो, तो इस साइड से देखो LED इंडिकेटर, और एक समर का एक ABS लाइट तो एकदम प्यारा ही है। तो रेड कलर में तो बाइक प्यारा ही लग रहा है, लेकिन उतना खास नहीं है जो भी बोलो। तो देखो 100 का टायर है, आप लोगों को दिखा दिया। सो गाइस, आप लोगों को दिखाऊंगा अभी इंडिकेटर, LED इंडिकेटर, ये एकदम बेहतर चीज़ लगा मेरे को, जो एक प्लस पॉइंट है ये इंडिकेटर। इंडिकेटर चेक करो यार, जो KTM में जैसा आता है ना सेम वैसे इंडिकेटर। सो गाइस, लुक एकदम क्रेजी लग रहा है इंडिकेटर की वजह से, और मिरर भी भाई, मिरर विजिबिलिटी बहुत हार्ड है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ अब मीटर, ये देखो इधर ब्लूटूथ चार्जिंग भी हो सकता है, जो बैटरी में चार्ज नहीं है तो चार्ज कर सकते हो। की देखो क्या है, की एकदम मतलब हीरो का जैसा आता है वैसा है, लेकिन मेरे को ये बेहतर लगा की। तो भाई लोग अब मीटर देखो, मीटर चेक करो, मीटर में देखो इधर न्यूट्रल स्विच दिया है, और इधर इंजन लाइट का, इंजन टेम्परेचर, और कितना किलोमीटर चला है दिखेगा, टाइम डेट, न्यूट्रल, फ्यूल इंजेक्शन, इंडिकेटर लाइट, और कितना टाइम है सब दिखाएगा। तो इंडी ये भी एक प्लस पॉइंट लगा मेरे को। तो ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं है मीटर का, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस वाला मीटर लगा देता तो और भी अच्छा होता। तो आप लोग जैसे इंजन चेक लाइट दिखा रहा है, और इधर मिरर। सो गाइस, इधर का किल स्विच देख ला, स्विच चेक करो, स्विच इससे भी ज़्यादा प्रीमियम दे सकता था इस बाइक के साथ। तो आप लोग देख सकते हो स्विच, ये देखो इधर का है, इधर जो स्टार्ट का ऑप्शन, और इधर हॉर्न, इधर स्टार्ट का ऑप्शन है, और इधर देखो, इधर आप लोग अब मूड सिलेक्ट कर सकते हो, मूड जैसा भी मूड चाहते हो आप लोग वैसे सिलेक्ट कर सकते हो इधर से। तो इधर का देखते हो पास स्विच, और ये है आप लोगों को इंडिकेटर का जो स्विच आता है वो वैसा स्विच है। तो मेरे को तो ये प्लस पॉइंट लगा। अब पीछे का आप लोगों को एक बार मेटल तो अच्छा है जो भी बोलो, और पीछे पर जो येलो कलर में भी बाइक तगड़ा लग रहा है जो भी बोलो। तो अब पीछे का देखो, हीरो का मतलब हीरो का डिज़ाइन जैसा इसका पीछे का टेल है, पीछे का टेल और भी साफ कर सकते, जैसे R15 में था वैसा साफ कर सकता था, लेकिन साफ करना चाहिए था पीछे का। और पीछे का सीट तो एकदम कम्फर्टेबल है, आप लोग एक दो जन बैठ तीन जन भी बैठ सकते हो इस बाइक में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेडीज़ हो तो घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस सीट के साथ। तो एक भी ये प्लस पॉइंट लगा मेरे को। तो जो और पीछे का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो भी अच्छा है। और पीछे का टायर देखो 1/40, पहले जो आता था इसका 130 का टायर, वो बॉडी के साथ मैच नहीं होता था, लेकिन ये वाला जो है ना वो बॉडी के साथ मैच होता है, टायर के साथ ये बॉडी के साथ अच्छा मैच होता है। तो पिछले वाला जो मॉडल में उतना अच्छा नहीं था, और इसका एग्जॉस्ट भी अच्छा है जो भी बोलो। इसका एग्जॉस्ट नोट आप लोग को कुछ इस नेक्स्ट वीडियो में सुना दूंगा इसका एग्जॉस्ट नोट। तो इंजन है 210 cc का, और पहले आता था 213 cc का, तो अब थोड़ा कम कर दिया, लेकिन इंजन परफॉर्मेंस आप लोगों को पता नहीं कैसा होगा, मैं आप लोगों को रिव्यू करके ज़रूर बता दूंगा। सो गाइस, इसका इंजन देखो, इंजन एकदम मतलब प्रीमियम सेगमेंट में ही बना है इस इंजन में। देखो इंजन 4 स्ट्रोक में, 4 वाल्व, सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल इंजन है, 73 mm, 5 inch, 210 cc का इंजन है। कम जाए तो BA भाई, इसका पावर भी ज़्यादा है, 25 पावर यार। तो गाइस, इस पावर के साथ तो आप बाइक चला सकते हो फुल्ली परफॉर्मेंस के साथ, अच्छा परफॉर्मेंस मिले आप लोगों को 2023 में। तो इसका प्राइस, आस्किंग प्राइस है 1,72,000 rupees ऑन एक शोरूम।
और आपके जो जो जिधर के सिटी में वैसे प्राइस मिलेगा आप लोगों को। तो रेड कलर में बहुत अच्छा लगा बाइक। तो गाइस बाइक खरीदना चाहते हो तो आप लोगों को R15 भी ले सकते हो, ये बाइक थोड़ा कम प्राइस में लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस देगा आप लोगों को। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।